हेलो माय डियर स्टूडेंट आज हम आपको बताएंगे बीएससी एग्रीकल्चर के पर्यावरण के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसका फर्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है इसका राइट आंसर देहरादून में अगला क्वेश्चन वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करती है इसका राइट आंसर पराबैंगनी की रेड़ों से अगला क्वेश्चन जलवायु परिवर्तन में किन गैसों की मुख्य भूमिका होती इसका राइट आंसर ग्रीन हाउस गैस का अगला क्वेश्चन भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है इसका राइट आंसर भोपाल में अगला क्वेश्चन मानव द्वारा निर्मित उपग्रह कहाँ स्थित होते हैं इसका राइट आंसर बायल ऑर्बिटल में अगला क्वेश्चन भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है इसका राइट आंसर सुंदरलाल बहुगुणा को अगला क्वेश्चन ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है या घटता है इसका राइट आंसर बढ़ता है अगला क्वेश्चन देश का परिस्थिति की अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है इसका राइट आंसर बंगलौर। जो कि कर्नाटक में है अगला क्वेश्चन बायो बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षा किस प्रदूषण को मापने के लिए किया जाता है इसका राइट आंसर जल प्रदूषण अगला क्वेश्चन पौधे अपनी खाद्य निर्माण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल से लेते हैं और उसके बदले में जीवधारियों को सांस लेने के लिए क्या मुक्त करते हैं इसका राइट है। आंसर ऑक्सीजन अगला क्वेश्चन भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसे होनी चाहिए इसका राइट आंसर आयताकार अगला क्वेश्चन भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है इसका राइट आंसर अनुचित अगला क्वेश्चन उन्नीस की गर्मियों की बाढ़ में बांग्लादेश के लगभग बा कितने लोगों को क्षति उठानी पड़ी थी इसका राइट आंसर है तीन पॉइंट छ जीरो करोड़ अगला क्वेश्चन बाढ़ से प्रभावित बचाव के लिए समुद्र तट या नदी तट से कम से कम कितने मीटर दूर मकान बनाना चाहिए इसका राइट आंसर है दो सौ पचास मीटर अगला क्वेश्चन भूस्खलन के लिए उत्तरदायी मानवीय कारक कौन सा है इसका राइट आंसर है आकुशल खुदाई अगला क्वेश्चन भूस्खलन का अर्थ है इसका राइट आंसर जमीन का खिसकना अगला क्वेश्चन भूस्खलन से असुरक्षित कौन से मकान होते हैं इसका राइट आंसर जो खड़ी प्राकृतिक स्थित है अगला क्वेश्चन तेईस उन्नीस सौ बहत्तर ईस्वी को किस देश में एक के बाद एक कई भूकंप इसका राइट आंसर है निकारागुआ। अगला क्वेश्चन भूकंप के दौरान कैसी इमारतें अपेक्षा कर अधिक कंपन माय होती हैं इसका राइट आंसर ऊंची अगला क्वेश्चन 26 दिसंबर 2001 को भुज में कितनी तीव्रता वाला भूकंप आया था इसका राइट आंसर है 6.9 अगला क्वेश्चन इंडियन प्लेट के खिसकने की दर क्या है इसका राइट आंसर 3 से 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष अगला क्वेश्चन आप पोदा प्रबंधन किस सूची के अंतर्गत आता है इसका राइट आंसर है समवर्ती सूची के अंतर्गत अगला क्वेश्चन भारत के भूकंप से संबंधित सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए कितने वेधशालाओं में भूकंपीय यंत्र लगे हैं इसका राइट आंसर 212 अगला क्वेश्चन भारत सरकार ने बाढ़ नियंत्रण के लिए त्वरित अकाल्पनिक एवं दीर्घकालिक दीर आयाम कब निर्धारित किया इसका राइट आंसर है उन्नीस सौ चौवन में अगला क्वेश्चन कृषि सुखाड़ होता है इसका राइट आंसर मिट्टी की नमी के अभाव में अगला क्वेश्चन सुनामी सुनामी प्रभावित क्षेत्र में भवन निर्माण कहाँ करना चाहिए इसका राइट आंसर है समुद्र समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है इसका राइट आंसर फसल को अगला क्वेश्चन किस राज्य में गंगा ग्रीन स्वच्छ सम्मेलन का आयोजन हुआ इसका राइट आंसर है नई दिल्ली में अगला क्वेश्चन कौन आवर्तक प्राकृतिक आपदा इसका राइट आंसर है चक्रवात अगला क्वेश्चन कौन अनावर्तक प्राकृतिक आपदा इसका राइट आंसर है बाढ़। कौन आवर्तक प्राकृतिक आपदा नहीं है इसका राइट आंसर है अतिवृष्टि अगला क्वेश्चन कौन अनावर्तक प्राकृतिक आपदा नहीं है, है इसका राइट आंसर भूकंप अगला क्वेश्चन भूस्खलन के कितने रूप है इसका राइट आंसर है दो अगला क्वेश्चन पर्वती राज्यों के लिए गंभीर आपदा परंतु बिहार के लिए आपदा नहीं है इसका राइट right आंसर है भूस्खलन और हिमाचल इसका राइट right आंसर दोस्तों वीडियो को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज